हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त और रोहित जीतू। आज मैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक और नया अपडेट लेके आ चुका हूँ। आज का अपडेट होगा फेज वन पैकेज वन का अपडेट होगा। आज के अपडेट की शुरुआत हम करेंगे गीता कॉलोनी से लेके, और आज आपको अपडेट देंगे शास्त्री पार्क तक की पूरी पूरी आपको अपडेट मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्रेसवे 25। और देखिए मेरे बैक साइड में ही है आपका गीता कॉलोनी का जो शमशान घाट है वो। और देखिए यहाँ के मैं यदि काम की बात करूँ तो देखिए यहीं से जो एलिवेटेड रोड है आपका, एलिवेटेड रोड का पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, और 6.5 किलोमीटर तक का, 6.5 किलोमीटर का ये पूरा एलिवेटेड रोड का पार्ट होने वाला है। अब ये देखिए एलिवेटेड रोड की ये रैम्प का काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम होना बाकी है। वही कॉलोनी के यहीं से आपके जो एलिवेटेड रोड का पार्ट है उसकी शुरुआत हो जाती है। एलिवेटेड रोड के पार्ट के प्रोग्रेस की मैं बात करूं तो देखिए फाइनली इसके रैंप में जो डीबीएम का वर्क है, डीबीएम का वर्क कंप्लीट किया जा चुका है। वहीं क्रैश बैरियर के ऊपर जो साउंड प्रूफ पैनल होता है, साउंड प्रूफ पैनल लगाने का भी काम कंप्लीट किया जा चुका है। साउंड प्रूफ पैनल के अलावा मैं यदि बात करूं डिवाइडर की तो डिवाइडर भी कंप्लीट हो चुका है। डिवाइडर के ऊपर पेंट करने का काम यहां पर किया जा रहा है। डिवाइडर पर ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी का जो काम है वो अभी यहां पर देखिए 100 मीटर तक अभी ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी का काम किया जाना है। वहीं आगे हो चुका है डिवाइडर के ऊपर एंटी ग्लेयर प्लेट्स लगाने का काम कंप्लीट किया जा चुका है। वही मैं बात करूं स्ट्रीट लाइट की तो देखिए स्ट्रीट लाइट का भी काम यहां पर किया जा चुका है, तो लाइटों का काम कंप्लीट किया जा चुका है। वही मैं बात करूं लेन मार्किंग की तो आप लोग देख सकते हो आगे लेन मार्किंग का भी काम यहां पर कंप्लीट किया जा चुका है। ये देखिए आप लोग यहां से लेन मार्किंग का भी काम पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। और मैं ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी की बात कर रहा था तो यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी का भी काम कंप्लीट किया जा चुका है। पूरा ही 6 लेन का होने वाला है, 3 लेन ईच साइड होने वाला है। तो देखिए 3 लेन का ये है मेन आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट, और 3 लेन का आपका दूसरी साइड में है। दोनों ही साइड में जो आपका व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। आपका क्रैश बैरियर पर और डिवाइडर पर जो एंटी ग्लेयर प्लेट्स है वो भी लगाई जा चुकी हैं, और जो साउंड प्रूफ पैनल है उसका भी काम पूरा कंप्लीट किया जा चुका है। और एलिवेटेड रोड के पार्ट में ये आपका कैलाश नगर तक पूरा ऐसा डीबीएम का वर्क कंप्लीट किया जा चुका है। कैलाश नगर की जो लाल बत्ती है, लाल बत्ती के 100 मीटर पहले तक ये जो काम है ये कंप्लीट किया जा चुका है। अब भाई मेरे पास बाइक है नहीं तो अब मैं नीचे चलता हूं सर्विस रोड और उसका भी कुछ प्रोग्रेस आपको दिखाता हूं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्रेसवे 25 और सपोर्ट करते रहिए एक्सप्रेसवे 25 को। पीछे ही आपका शमशान घाट है, और शमशान घाट से लेके देखिए यहां तक जहां से इसके रैंप की शुरुआत होती है यहां तक जो आपका ये ड्रेनेज सीवर सिस्टम है, ड्रेनेज सीवर सिस्टम का काम अभी चल रहा है। देखिए दोनों ही तरफ के वॉल्स को बनाने का ये काम किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए लगभग 300 मीटर तक जो सर्विस रोड का काम है वो अभी किया जाना है। वहीं मैं आगे की बात करूं तो देखिए सर्विस रोड का काम कंप्लीट किया जा चुका है। वहीं सर्विस रोड के अलावा मैं बात करूं ड्रेनेज सीवर सिस्टम की तो ड्रेनेज सीवर सिस्टम यहां पर काफी टाइम पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है ड्रेनेज सीवर सिस्टम का काम। और मैंने आपको एलिवेटेड रोड के पार्ट का जो प्रोग्रेस है वो दिखाया ही, और आगे चलते हैं आगे की आपको अपडेट देते हैं। बने रही वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए आप लोग एक्सप्रेसवे 25, और अपने छोटे भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग। अब यहां से देखिए यहीं से एलिवेटेड पार्ट है जो आपका 6.5 किलोमीटर का गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी खास तक, उस एलिवेटेड पार्ट के पियर्स की शुरुआत यहीं से हो जाती है आपकी। और देखिए यहां पर कई बार क्या होता है कि ब्रिजों के अंदर या जो
एलिवेटेड रोड के पार्ट होते हैं उनके अंदर कई बार क्या किया जाता है, एमसीडी ऑफिस बना दिया जाता है या बिजली का ऑफिस, बिजली विभाग का ऑफिस बना दिया जाता है। तो कई बार इस तरीके के काम यहाँ पर देखने को हमें मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पर सर्विस रोड का काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं ड्रेनेज सीवर सिस्टम की बात करूं तो ड्रेनेज सीवर सिस्टम का भी काम कंप्लीट किया जा चुका है। बिल्कुल सामने ही आपका गांधीनगर मार्केट है जो कि लेडीज एंड जेंट्स रेडीमेड कपड़ों का होलसेल मार्केट है। और ये है बिल्कुल सामने ही पियर नंबर 7 है और पियर नंबर 7 की मैं आप 7 के सामने की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सर्विस रोड का काम हो चुका है यहाँ पर। वहीं मैं बात करूं ड्रेनेज सीवर सिस्टम की तो देखिए यहाँ पर ड्रेनेज सीवर सिस्टम का काम काफी तेजी से चल रहा है। तो इस वाले हिस्से में आपका ड्रेनेज सीवर सिस्टम का काम किया जा रहा है। ड्रेनेज सीवर सिस्टम के अलावा सर्विस रोड कंप्लीट हो चुका है। मेन जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड का पार्ट है उस एलिवेटेड रोड का पार्ट कैलाश नगर बत्ती के कैलाश नगर का जो रेड लाइट है उसके 100 मीटर पहले तक 90% कंप्लीट किया जा चुका है। तो ये कुछ अपडेट है आपकी गांधीनगर मार्केट के सामने की। देखिए आप लोग यहां पर ड्रेनेज सीवर सिस्टम का काम काफी तेजी से किया जा रहा है इस वाले हिस्से में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इस वाले हिस्से में। पियर नंबर सामने 13 है, पियर नंबर 13 से लेके और पियर नंबर 16 तक जो आपका ड्रेनेज सीवर सिस्टम होता है, ड्रेनेज सीवर सिस्टम के लिए खुदाई का काम अभी यहाँ पर नहीं किया गया है। यानी ड्रेनेज सीवर सिस्टम का काम अभी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी इस वाले हिस्से में भी खुदाई स्टार्ट हो जाएगी ड्रेनेज सीवर सिस्टम के लिए। सर्विस रोड इधर भी कंप्लीट है। तो चलते हैं आगे, आगे की आपको अपडेट देते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सपो 25। पियर नंबर 23 तक आपका जो डीबीएम का वर्क है एलिवेटेड रोड के पार्ट में वो कंप्लीट किया जा चुका है। अब वहीं मैं पियर नंबर 24 की बात करूं तो यहां से आगे तक जो डीबीएम का वर्क है वो अभी किया जाना है क्योंकि एलिवेटेड रोड के पार्ट में अभी बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है। वही मैं यहाँ के ड्रेनेज सीवर सिस्टम की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो ड्रेनेज सीवर सिस्टम है वो रेडी है 25 तक, पियर नंबर 25 तक रेडी है। और सर्विस रोड का काम देखिए पियर नंबर 23 तक हो चुका है। पियर नंबर 23 के आगे जो सर्विस रोड का काम है, सर्विस रोड का काम किया जाना है। यहाँ के एलिवेटेड रोड की पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर एलिवेटेड रोड के पार्ट में जो फ्लोरिंग का काम है वो फ्लोरिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। 26, 27 और 28 तक जो आपका फ्लोरिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। वही मैं आगे की बात करूं तो थोड़ा सा आगे पहुंच के मैं आगे की आपको अपडेट देता हूं। बने अभी मैं आ चुका हूं कैलाश नगर की जो रेड लाइट है, रेड लाइट के पास आ चुका हूं। और यहां के मैं काम की बात करूं तो देखिए सर्विस रोड का काम होना है। वहीं सर्विस रोड के अलावा मैं बात करूं जो मेन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड का पार्ट है, एलिवेटेड रोड के पार्ट के लिए देखिए गटर्स की लॉन्चिंग का काम हो चुका है। गटर्स की लॉन्चिंग का काम यहाँ पर हो चुका है और फ्लोरिंग के लिए यहाँ पर फ्रेमिंग की जा रही है। पियर नंबर 28, 29, 30 और 31 तक जो फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम होता है वो किया जा रहा है। वहीं मैं 32 की बात करूं तो 32, 33, 34 पर अभी आपके गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है। वहीं फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग होना बाकी है। और इसके 200 मीटर आगे ही आपका रेलवे का क्रॉसिंग आएगा तो रेलवे के क्रॉसिंग के ऊपर से होके गुजरेगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड का पार्ट। तो वहां पहुंच के मैं आपको वहां की भी अपडेट देता हूं। बने रहिए वीडियो लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्रो 25। और यहीं से आपका राइट हैंड साइड में हो जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड का पार्ट। देखिए इधर से आ रहे हैं और यहाँ से अब राइट हैंड साइड में हो जाएगा। यहाँ से आप सीधे जाओगे तो आप चले जाओगे रेड फोर्ट और शास्त्री पार्क के लिए। लेकिन जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट है वो अब यहाँ से राइट हैंड साइड में होकर गुजरेगा
और देखिए ये यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो गांधीनगर मार्केट आप सीधे पहुंच जाओगे। तो चलते हैं आगे आगे की आपको अपडेट देते हैं। ये जो यहाँ पर आयरन के गटर रखे गए हैं इनकी लॉन्चिंग का जो काम होगा वो होगा आपका जो आगे रेलवे का क्रॉसिंग है, रेलवे के क्रॉसिंग के दोनों ही साइड में जो पियर्स होंगे उन पियर्स के ऊपर इनकी लॉन्चिंग होगी आयरन के गटर्स की। और यहाँ से ठीक 200 मीटर आगे ही है आपका रेलवे का क्रॉसिंग और रेलवे के क्रॉसिंग के ऊपर से होके गुजरेगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड का पार्ट। और यहाँ के काम की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है, वहीं दो पियर्स के बीच में केवल गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम यहाँ पर होना बाकी है। और आगे जो आपके पियर्स है दोनों साइड रेलवे के क्रॉसिंग के दोनों साइड उन पे भी आपका गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम होना बाकी है। ये देखिए 5 पियर्स हैं और ये 5 पियर्स दोनों ही साइड में रेलवे के क्रॉसिंग के दोनों ही साइड में 5 पियर्स बनाए गए हैं। और देखिए 5 पियर्स ये है और 5 पियर्स इसके आगे है, इनके ऊपर जो गटर्स की लॉन्चिंग का काम है वो गटर लॉन्चिंग का काम और फ्लोरिंग का काम अभी होना बाकी है। और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर जो रेलवे का क्रॉसिंग है वो ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका रेलवे का क्रॉसिंग है और रेलवे के क्रॉसिंग के ऊपर से होके गुजरेगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड रोड का पार्ट है वो। और यहाँ पर देखिए दोनों ही साइड में पियर्स आपके रेडी किए जा चुके हैं और पियर के ऊपर जो पियर कैप का काम है वो भी पियर कैप का काम हो चुका है और इसके आगे भी 5 पियर्स है एक साथ और उसके ऊपर भी पियर के कैप का काम कंप्लीट किया जा चुका है। और इसके आगे ही आपका जो दिल्ली मेट्रो की रेल लाइन है, दिल्ली मेट्रो के रेल लाइन के ऊपर से होके गुजरेगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड रोड का पार्ट है वो। तो यहां पर भी अभी पियर की कैप का ही काम किया जा चुका है, पियर की कैप का काम यहां पर हो चुका है और इसके आगे ही मैंने आपको बताया इसके आगे ही देखिए है ये आपका दिल्ली मेट्रो का रेल लाइन और इसके ऊपर से होके गुजरेगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रोड का पार्ट। और अभी मैं आ चुका हूं शास्त्री पार्क में और शास्त्री पार्क तक की पूरी अपडेट आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। बिल्कुल सामने ही आपका दिल्ली मेट्रो का रेड लाइन और उसके ऊपर से होके गुजरेगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पार्ट एलिवेटेड रोड का पार्ट है वो। और देखिए दोनों ही साइड में जो आपके पियर्स हैं उनपे पियर की कैप का काम हो चुका है, पियर की कैप के अलावा यहाँ पे गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम अभी होना बाकी है तो इस वाले पियर पर भी होना बाकी है। वहीं मैं पियर नंबर 43 की बात करूं तो 43 से आगे तक जो गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम है वो गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट किया जा चुका है। वहीं फ्लोरिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फ्लोरिंग के लिए जो फ्रेमिंग का काम होता है वो फ्रेमिंग का काम चल रहा है। तो इस वाले हिस्से में आपका फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम किया जा रहा है। वहीं मैं बात करूं पियर नंबर 45 की तो 45 और 46 तक जो आपकी गर्डर्स की लॉन्चिंग का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, वहीं फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम यहाँ पर किया जाना है। अब यहाँ के सर्विस रोड की मैं यदि बात करूं तो देखिए यहाँ से लेके और शास्त्री पार्क का जो आगे का रेड लाइट है, रेड लाइट तक आपका सर्विस रोड का काम और ड्रेनेज सिविल सिस्टम का काम पूरा होना बाकी है अभी। तो चलते हैं आगे आगे की आपको अपडेट देते हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। शास्त्री पार्क में ये आपका पियर नंबर 47 है और पियर नंबर 47 से मैं आगे के पियर्स तक की बात करूं तो आगे तक के पियर्स पे जो पियर की कैप का काम है, जो गडर्स की लॉन्चिंग का काम है वो हो चुका है और इसके अलावा फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इस वाले हिस्से में आप लोग देख सकते हो फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम किया जा रहा है और सर्विस रोड व ड्रेनेज सिविल सिस्टम, यहाँ पर ड्रेनेज सिविल सिस्टम और सर्विस रोड दोनों का ही कुछ भी काम नहीं हुआ है तो वो काम अभी होना बाकी है पूरा। और यहाँ के सर्विस रोड की हालत आप लोग देख सकते हो,
शास्त्री पार्क में जो आपका रेड लाइट है, देखिए रेड लाइट के पास में आ चुका हूँ। और यहाँ के काम के प्रोग्रेस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो आपका फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम है वो फ्रेमिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। और देखिए ये जब सामने वाला ओवरब्रिज बना था उसी टाइम ये लूप बनाया गया था कश्मीरी गेट के साइड में जाने के लिए। तो फिलहाल में ये अभी बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी काम चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। और देखिए आप लोग इधर के साइड आप जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आप कश्मीरी गेट के साइड चले जाओगे, वहीं आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो सीलमपुर सादरे के साइड और आनंद विहार के साइड में आप चले जाओगे। आप सीधे जाओगे तो खजूरी खास मंडौला विहार व भजनपुरे के साइड में जाना हो, सिग्नेचर ब्रिज से होके आपको आउट रिंग रोड के साइड जाना हो तो ये वाला रास्ता उधर जाता है, बाकी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इधर से ही होके गुजरेगा आपका। और देखिए यहाँ पर आयरन के गटर्स की लॉन्चिंग का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है, वहीं पर अब इसके फ्रेमिंग फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर फ्लोरिंग के लिए फ्रेमिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है, फाइनली फ्लोरिंग का काम यहाँ पर अभी होना बाकी है। तो ये कुछ अपडेट थी आपकी दिल्ली के गीता कॉलोनी से लेके और शास्त्री पार्क तक की। आज की अपडेट आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी मेरी वीडियो आने वाली हो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।